हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमने जो है क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर चैप्टर शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चों हमने जो है दो लेक्चर देख लिए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बेसिक इंट्रोडक्शन की। दूसरे लेक्चर में बच्चों हमने अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर का वर्गीकरण देखा। अब जो अगला लेक्चर है बच्चों, इसमें जो हम नामकरण देखेंगे सामान्य पद्धति में भी और आईयूपीएससी पद्धति में भी। तो सबसे पहले बच्चों हम अल्कोहल का नामकरण देखते हैं। किसका नामकरण? अल्कोहल का, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों सामान्य पद्धति, क्या बोला? सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति में, सामान्य पद्धति में, और दूसरा क्या है बच्चों? आईयूपीएसी नामकरण। तो सामान्य पद्धति में बच्चों लिखा जाता है एल्किल एल्कोहल के रूप में, एल्किल एल्कोहल के रूप में। किस रूप में लिखा जाता है? एल्किल एल्कोहल के रूप में। लेकिन बच्चों आईपीएससी नामकरण जो लिखा जाता है एल्केन प्लस ऑल के रूप में। किस रूप में लिखा जाता है? एल्केनॉल के रूप में, एल्केनॉल के रूप में, एल्केनॉल के रूप में। उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है CH3OH। तो CH3OH का जो सामान्य नाम होगा, कॉमन नेम, किस रूप में लिखना है? एल्किल एल्कोहल के रूप में। तो एल्किल कौन है बच्चों? यहां पर एक कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? ए, मेथ। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ। तो मेथ प्लस क्या हो जाएगा? इल। तो क्या हो गया? मेथिल, और क्या लगा देना? एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। आईपैक नाम, आईपीएसी नाम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनॉल के रूप में। एल्क का नाम कौन कर रहा है? मेथ कर रहा है। मेथ प्लस एन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम हो गया बच्चों? मेथेनॉल। क्योंकि बच्चों एल्कोहल समूह के लिए जो है अनुलग्न ऑल लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑल। तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, जैसे CH3CH2OH, पहले कॉमन नेम देखेंगे, सामान्य नाम, ठीक, सामान्य नाम एल्किल एल्कोहल के रूप में। तो कितने कार्बन है यहां पर? दो, दो कार्बन क्या बोलेंगे? एथ, एथिल, और क्या? एल्कोहल। और आईपैक नेम आईपीएसी, ये क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनॉल के रूप में। दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ प्लस एन प्लस ऑल, एथेनॉल, एथेनॉल। इस तरीके से बच्चों ये सामान्य नाम है और आईपीएसी नाम है। तो इसके बाद बच्चों कुछ 15 से 20 कंपाउंड है हमारे पास एल्कोहल के, उनके नाम देखते हैं। तो बच्चों पांच कंपाउंड ले लिया मैंने एल्कोहल के, जिसमें हम जो है पांचों के नाम देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या हमारे पास? CH3CH2CH2 हो गया। क्या हो गया? CH2OH। तो सबसे पहले सामान्य पद्धति में देखना, सामान्य पद्धति एल्किल एल्कोहल के रूप में और आईपीएसी नामकरण एल्केनॉल के रूप में। तो एल्किल, कौन सा एल्किल समूह है यहां पर? प्रोपिल। तीन कार्बन वाला कौन सा होता है? प्रोपिल। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तीन कार्बन, प्रो प्लस इल, प्रोपिल, और क्या बोलना है? एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल।
और इससे पहले क्या लगा देना है N, जब कार्बन की संख्या तीन या तीन से ज्यादा होती है तो N प्रोपिल एल्कोहल आ गया। आईयूपीएसी नाम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनो, कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे एल्क, एल्क में भी क्या बोलेंगे मेथ, एक कार्बन ले, दो कार्बन ले एथ और तीन कार्बन ले प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन। और पहले ही कार्बन से क्या हुआ है ऑल ओएच, तो प्रोपेन वन ऑल, आईयूपीएसी में प्रोपेन वन ऑल। इसके बाद बच्चों अगला है सामान्य पद्धति में नाम देखते हैं, ये सी एस थ्री सी एच, दूसरे कार्बन से क्या लगा है ओएच और सी एस थ्री, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों तीन है, क्या बोलूंगा तीन कार्बन, प्रोपिल ही बोलूंगा, प्रोपिल, प्रोपिल और क्या लगा दूंगा एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन बच्चों प्रोपिल एल्कोहल तो ये भी हो गया, लेकिन ये कोई केस होगा एक दो तीन, सेकंड लास्ट कार्बन से जब क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है सेकंड लास्ट कार्बन से, तो जब भी जो है बच्चों सेकंड लास्ट कार्बन से क्या जुड़ा होगा क्रियात्मक समूह, तो उस केस को क्या बोला जाता है आइसो, एक दो तीन, तीन में से दूसरा नंबर किसका है सेकंड लास्ट कार्बन है जो, तो इसलिए क्या बोल लगा देंगे आगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, क्या है बच्चों आइसो प्रोपिल एल्कोहल, या फिर सेकेंडरी बोल सकते हैं सेकेंडरी, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है दो कार्बन से, तो सेक भी बोल सकते हैं। आईपीएसी नाम देखते हैं, प्रोपेन हो जाएगा और दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या हो जाएगा टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इसके बाद बच्चों अगला CH3, CH2, 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 OH, तो बच्चों सामान्य पद्धति में एल्किल एल्कोहल के रूप में, तो चार कार्बन है, चार कार्बन वाला कौन सा एल्किल होता है, कौन सा होता है ब्यूटिल, क्या लिख देंगे ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन ब्यूटिल एल्कोहल में कौन सा होगा एन ब्यूटिल एल्कोहल, और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल के रूप में, ब्यूटेन वन और या ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन वन और। इसके बाद बच्चों यहां पर अगला है सी एस थ्री और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है ओएच, सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस टू सी एस थ्री, एक दो तीन चार, तो बच्चों यहां पर भी देखोगे तो यहां पर क्या जुड़ा है दूसरे कार्बन से OH जुड़ा है, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है OH, लेकिन हमें जो है पहले किससे लिखना है सामान्य पद्धति में, सामान्य पद्धति में क्या हो जाएगा कि जो नाम लिखना है देखना है कि ये दूसरा नंबर का कार्बन है, ठीक, सामान्य पद्धति में हमने नाम किस तरीके से लिखना है एल्किल एल्कोहल के रूप में, टोटल कार्बन के रूप कितने कार्बन है टोटल चार, चार कार्बन को क्या बोलूंगा मैं ब्यूटिल, क्या बोलूंगा ब्यूटिल एल्कोहल, क्या बोलूंगा बच्चों ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन ब्यूटिल एल्कोहल तो ऊपर वाला भी है, ब्यूटिल एल्कोहल कौन सा है बच्चों ऊपर वाला भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूटिल एल्कोहल तो है लेकिन जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य कितने एल्किल समूहों से जुड़ा है दो एल्किल समूह से, तो कौन सा एल्कोहल बोलते हैं इसको सेकेंडरी एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल बोला जाता है सेकेंडरी, तो पहले मतलब यहां आगे क्या लगा देना सेक लगा देना सेक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक। आइसो का केस कब होता है जब जो है सेकेंड लास्ट कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़े होते हैं, सिर्फ क्या जुड़े होते हैं दो मेथिल समूह, जैसे यहां पर मेथिल है तो क्या हो गया आइसो, ये आइसो भी और सेक भी है। इसके बाद जो है आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन और दूसरे कार्बन से क्या है बच्चों टू ऑल, ब्यूटेन ऑल टू एल्केनॉल के रूप में लिखना है, तो एल्केनॉल क्यों कर रहा है कार्बन कितने हैं यहां पर चार,
चार कार्बन को क्या बोलूंगा, ब्यूट बोलूंगा, सिंगल बॉन्ड है एन बोलूंगा, ब्यूटेन हो गया। दूसरे कार्बन पे क्या है, ओएच है, और बोलूंगा। इसके बाद लास्ट वाला बच्चों, इसके बाद लास्ट वाला, अगला है बच्चों, पहले हमने क्या कहते हैं इसका सामान्य पद्धति में, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने सामान्य पद्धति में, कितने, एक दो तीन चार, क्या ये ब्यूटिल, चार कार्बन वाला एल्किल कौन सा होता है, ब्यूटिल, और क्या लगा देंगे एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो बच्चों नंबरिंग यहां से एक दो तीन, यहां पर तीन कार्बन की लंबी चेन बन गई, और सेकंड लास्ट कार्बन जो दूसरे नंबर का कार्बन है इससे दो मेथिल समूह जुड़े हैं, अरे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, आइसो वाला, जब सेकंड लास्ट कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आइसो, क्या बोला जाता है बच्चों, आइसो। ये सेकेंडरी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि OH से जो जुड़ने वाला कार्बन है वह अन्य एक कार्बन से सिर्फ जुड़ा है, तो ये कौन सा प्राथमिक है, लेकिन केस कौन सा है, आइसोब्यूटिल। आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आईयूपीएसी नाम क्या है, आसान है, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल, लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तीन, प्रोपेन हो गया और वन और टू मेथिल प्रोपेन वन और टू मेथिल प्रोपेन वन और। तो इस तरीके से बच्चों हमने पांच कंपाउंड के नाम देख लिए। इसके बाद बच्चों अगले पांच, तो पहला वाला देखते हैं, सबसे पहले सामान्य नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सारे टोटल कार्बन कितने, टोटल कार्बन कितने, एक दो तीन चार, चार कार्बन को एल्किल में क्या पढ़ेंगे, ब्यूटिल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, ब्यूटिल, और क्या लिखूंगा, एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो बच्चों यहां पर देखो कि जो हमारा सेकंड लास्ट कार्बन होगा, जैसे सेकंड लास्ट कार्बन क्या है, मैं कहीं से भी काउंटिंग अगर करूं, एक दो तीन, तो दूसरा नंबर का जो कार्बन है क्या हो गया, सेकंड लास्ट कार्बन, इस सेकंड लास्ट कार्बन से एक मेथिल समूह, दूसरा मेथिल समूह और तीसरा मेथिल समूह जुड़ा है। जब जो है सेकंड लास्ट कार्बन से तीन मेथिल समूह जुड़ते हैं तो उस केस को बोला जाता है नियो, क्या बोला जाता है बच्चों, नियो, ये क्या हो गया, नियो, या फिर इसको टर्सरी भी बोलेंगे, क्यों, OH से जुड़ने वाला कार्बन, हाइड्रोक्सिल से जुड़ने वाला कार्बन अन्य कितने एल्किल समूह से जुड़ा है, तीन एल्किल समूह से, तो कौन सा एल्कोहल हो गया, तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसको या तो टर्स बोल लो या फिर नियो, टर्स ब्यूटिल एल्कोहल या फिर नियो ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन नियो का केस क्या है कि मेथिली होंगे, तो सेकंड लास्ट कार्बन होगा उससे कितने मेथिल होंगे, तीन मेथिल। अब आईपीएसी नाम लिखना है तो लंबी कार्बन चेन बनाना होगा, ये बनानी है, ठीक, नंबरिंग कहीं से करो, एक दो तीन, तीन कार्बन दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है बच्चों, मेथिल, टू मेथिल टू मेथिल, और टोटल लंबी चेन कितनी है, तीन कार्बन प्रोपेन, और किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, प्रोपेन टू और टू मेथिल प्रोपेन टू और टू मेथिल प्रोपेन टू और। तो ये हो, इसके बाद बच्चों अगला है, तो अगला बच्चों जब भी जो है क्या होता है, OH रहता है, जैसे क्या होता है OH, जब क्या बोला मैंने, जब दो OH किसी कार्बनिक यौगिक के पास होंगे तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोल, क्या बोला जाता है ग्लाइकोल, और जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रोपिलीन, क्या बोलते हैं प्रोपिलीन, क्या बोलते हैं बच्चों प्रोपिलीन, कहने का मतलब प्रोपिलीन आपको पता होगा ये कौन सा केस आ रहा है, बिसिनल वाला केस, ये कौन सा केस आ गया, बिसिनल है, ये बिसिनल एल्कोहल है, बिसिनल का मतलब क्या होता है, जब अगल बगल वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह जैसे OH जुड़ा है, अगल बगल वाले कार्बन से जब क्या जुड़ा होता है OH,
और बिसिनल का जो नाम लिखा रहता है किस रूप में लिखा रहता है, एल्किलीन के रूप में, किस रूप में, एल्किलीन। तो एल्किलीन इसको क्या बोलूंगा मैं, ग्लाइकॉल बोलना है इतने को, जब दो OH होते हैं तो क्या बोला, ग्लाइकॉल। लेकिन बच्चों यहां पर बिसिनल का केस है कि जो अगल बगल के कार्बन थे उनसे क्या जुड़ा है, OH, तो इस केस को क्या बोल रहे हैं, बिसिनल बोल रहे हैं। ठीक, तो बिसिनल में जो नाम लिखा रहता है वो किस रूप में लिखा रहता है, एल्किलीन के रूप में। तो पहले बोला कार्बन कितने यहां पर टोटल तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोप बोलेंगे उसको क्या जोड़ देना है, इलीन, तो प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। अब आईपीएसी नाम पे आते हैं, लंबी कार्बन चेन ये बन, नंबरिंग यहां से होगी एक दो तीन, लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन आए, तीन आए, प्रोपेन हो गया, और पहले और दूसरे कार्बन से क्या लगा है, दो ऑल, तो डाई ऑल या डायऑल, डाई ऑल, डाई ऑल हो गया। जैसे बच्चों ये है यहां पे, ये है, तो ये भी एक प्रकार का ग्लाइकॉल ही है, ये भी क्या है, ग्लाइकॉल। लेकिन बच्चों यहां पर अगल बगल वाले कार्बन से OH नहीं जुड़ा है, यहां पर देखो क्या अगल बगल के कार्बन से OH जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, बीच वाला माइनस, मतलब यहां पर क्या है, इससे जुड़ा है और लास्ट वाले से, पहले और लास्ट वाले से। तो बच्चों यहां पर जो है CH2 को बोला जाता है मेथिलीन, कितने मेथिलीन है बच्चों, एक दो तीन, ट्राई मेथिलीन ग्लाइकॉल, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मेथिलीन ग्लाइकॉल सामान्य पद्धति। आईपीएसी पद्धति में सेम है, लंबी कार्बन चेन बनानी है, ये बन गई एक दो तीन, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, पहले से क्या रखा है, तीसरे से, और डाई और, डाई और। ऐसे ही बच्चों अगला है, अगला जो है वो भी क्या है, ग्लाइकॉल, बिसिनल वाला केस आ गया, आगे बिसिनल, अगल जस्ट अगल बगल के कार्बन से क्या जुड़ा होगा, OH, बिसिनल एल्कोहल है, बिसिनल का नाम किस रूप में लिखा जाता है, एल्किलीन, एल का मतलब कार्बन, कितने कार्बन है यहां पे, दो कार्बन, तो क्या बोलूंगा, एट प्लस इलीन, एथिलीन, और जब दो OH होते हैं क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। आईपीएसी नाम कितना है, लंबी कार्बन चेन बनाओ, पहले और दूसरे कार्बन से क्या लगा है, OH ऑल, तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेन 1.2 डाई ऑल, एथेन 1.2 डाई ऑल, एथेन 1.2 डाई ऑल। इसके बाद बच्चों अंतिम जो है, यहां पर तीन OH आ गए, यहां पर क्या आ गया बच्चों, तीन OH, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, ग्लिसरॉल, क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या है, सामान्य नाम है बच्चों इसका नाम ग्लिसरॉल, क्या नाम है, ग्लिसरॉल। अब आईपीएसी नाम लिखना है तो प्रोपेन हो जाएगा, लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तीन, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, कितने OH होंगे, तीन, और ट्राई और, ट्राई और, तो प्रोपेन 1.2.3 ट्राई और। तो इस तरीके से पांच और देख लेंगे। तो बच्चों इसके बाद तीन और देखते हैं, वैसे ये वाला हमने पहले देख लिया है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज मुझे समझानी है जो कि हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में देखा था। तो बच्चों यहां पर क्या बोला, जब भी OH जो है एक साथ है अगल बगल तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं बच्चों, ग्लाइकॉल। तो जैसे इसका नाम लिख रहे थे तो ये कौन सा केस है, बिसिनल वाला केस, सामान्य नाम की बात कर रहा हूं, ये क्या है, बिसिनल का, ये क्या है, बिसिनल डाइओन है, डाई और दो ऑल है ना, बिसिनल डाइओन। जब अगल बगल के कार्बन से क्रियात्मक समूह होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बिसिनल का केस। और बिसिनल का जो नाम लिखा जाता है किस रूप में लिखा जाता है, एल्किलीन के रूप में, एल्किलीन के रूप में, ठीक।
अब जैसे इसका नाम लिख रहे तो तीन कार्बन है, प्रोपिलीन डाई और बोल रहे हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकोल बोल रहे, प्रोपिलीन डाई ऑल या फिर ग्लाइकोल भी हो सकता है। अब मुझे एल्केनॉल के रूप में आईपीएस नाम लिखना था, तो एक दो तीन प्रोपेन 1.2 डाई ऑल हो रहा था, प्रोपेन 1.2 डाई ऑल ये हो। लेकिन अगला देखो बच्चों, अब यहां पर क्या हो रहा है कि OH समूह जो है एक ही कार्बन से, दो OH समूह किससे जुड़े हैं, एक ही कार्बन से। तो जो ये वाला केस है, ये जो दोनों केस है, दोनों में देख सकते हो आप, इसमें भी और नीचे वाले में भी, तो इसी कार्बन से OH जुड़ा है, इसी कार्बन से OH, इसी कार्बन से OH जुड़ा है, इसी कार्बन से OH। इस केस को बोला जाता है बच्चों जेमिनल। ये कौन सा केस है, ये क्या हो गया जेमिनल, जेमिनल डाइमर, इसको क्या बोलेंगे जेमिनल डाइमर। और जो जेमिनल का नाम लिखा जाता है बच्चों एल्किलिडीन के रूप में, तो बच्चों किस रूप में लिखना है, एल्किलिडीन डाइकोल। एल्क क्या है यहां पर, कार्बन। तो अब जैसे इस पहले वाले का सामान्य नाम लिखते हैं, जेमिनल का केस आ गया, तो किस रूप में लिखना है, एल्किलिडीन के रूप में। एल्क का काम कौन कर रहा है, दो कार्बन मतलब एथिलिडीन हो जाएगा, इलिडीन जोड़ते हैं एथिलिडीन पर क्या हो जाएगा डाई ऑल, एथिलिडीन डाइओ। ऐसे अगले वाले का सामान्य नाम एक दो तीन प्रोपिलिडीन डाइओ, प्रोपिलिडीन लिडीन डाइओ, प्रोपिलिडीन डाई। अब आईपीएससी नाम देखते हैं बच्चों, जैसे किसका, तो पहले ही कार्बन से OH, पहले ही कार्बन से OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो एक दो, तो क्या हो जाएगा एक प्लस एन सिंगल बॉन्ड है एथेन 1.1 डाई ऑल, एथेन 1.1 डाई ऑल। इसका नाम नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, टोटल तीन, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोपेन, और एक ही कार्बन से OH जुड़ा है 1.1 डाई ऑल, प्रोपेन 1.1 डाई ऑल। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, ये हमने जो है आईपीएससी और सामान्य नाम देखा है। अभी जो है हम तीन चार कंपाउंड और देखते हैं। तो बच्चों यहां पर कुछ मैंने साइक्लिक कंपाउंड ले लिए हैं, इनके हम सीधे आईपीएससी नाम देखते हैं, क्या देखते हैं आईपीएससी नाम। तो पहला है जैसे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों यहां पर, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन को क्या बोलेंगे हेक्सेन बोलेंगे, आईपीएससी नाम देख रहे हैं हेक्सेन। और क्या लगा है पहले कार्बन से वन और हेक्सेन नॉन हो गया। लेकिन बच्चों स्ट्रक्चर कैसे है साइक्लिक, तो पहले क्या नंबर देना है साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन वन ऑल, साइक्लोहेक्सेन वन ऑल। इसके बाद बच्चों अगला है, ये भी क्या है साइक्लोहेक्सेन ऑल ही है, लेकिन पहले और दूसरे कार्बन से क्या लगा है ऑल, कितने ऑल है दो, तो साइक्लोहेक्सेन 1.2 डाई ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1.2 डाई। अगला है बच्चों, है तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल ही, लेकिन यहां पर अभी दूसरे कार्बन से क्या गया मेथिल, तो टू मेथिल और साइक्लोहेक्सेन वन और साइक्लोहेक्सेन वन वन। अगला बच्चों, अब यहां पर पांच है जो साइक्लिक रिंग है हमारे पास, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके पास कितने कार्बन है पांच, तो साइक्लोपेंटेनॉल है, साइक्लोपेंटेनॉल के दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है मेथिल, तो क्या हो जाएगा टू मेथिल साइक्लो पेंटेन वन ऑल। इस तरीके से बच्चों यहां पर हमने आज अल्कोहल का
नामकरण देखा, जिसमें हमने जो है आईयूपीएससी और सामान्य पद्धति दोनों में देखा। कुछ केस हमने जो है आईसो नियो इस तरीके के भी देखे, कुछ केस हमने जो है किसके देखे, जेमिनल और बिसिनल के भी देखे और चक्रीय यौगिक भी देखे। तो इस तरीके से बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।